हेलो दोस्तों, दिल की गहराई से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर आते हैं वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन होगा वो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचता हुआ नजर आ जाएगा। और याद रखिए, जब भी किसी चीज़ को सीखना है तो कंटिन्यू सीखते रहिए। अगर बीच में अगर आप उसको कट कर देते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगा कि बीच वाली जानकारी आपके पास नहीं रहेगी, और जिसके वजह से आप जो है एक स्टेप छोड़कर जो है दूसरे स्टेप पर अगर आप छलांग मारने की कोशिश करोगे तो गिर सकते हो, और जब गिरोगे तो बहुत तगड़ा नुकसान होता है और फिर आप नीचे आ जाओगे टोटली। जो भी आपने मेहनत किया था यहाँ से यहाँ तक, वो सारा बेकार चला जाएगा। इसलिए कुछ भी सीखना है तो पूरा सीखना है। इस वजह से पूरा कंटिन्यू सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज मैं आपको बताने वाला तो आज मैं आपको इंट्राडे के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूँ, जहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि लाइव करके भी दिखाऊंगा इंट्राडे कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर किसी के पास 100 रुपये है या 500 रुपये है तो क्या है वो आदमी कर सकता नहीं कर सकता, कितने सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और क्या क्या इसमें चीज़ें आती है जिसको हमें जानना चाहिए। बहुत सारे ऐसे हिडन चीज़ें होती है जो लोगों को पता नहीं रहता, 2 साल 5 साल बाद वो एक बहुत बड़ा बर्डन बन के उनके पास आ जाता है विथ इंटरेस्ट। वो जो बर्डन होता है वो इंटरेस्ट के साथ बड़ा हो जाएगा। जो गलती या किया उसको वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन उनके साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, क्योंकि इस वजह से बहुत सारे लोग ट्रैप में फंस जाते हैं, खुद के बनाए हुए जाल में फंस जाते हैं। तो एक एक करके प्रोसेस बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पर आपको, और 10 मतलब यहाँ पर आपको एक लर्निंग देने की कोशिश करूँगा, 10 टाइप्स की लर्निंग देने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको थोड़ी बहुत नॉलेज आ जाए। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि इंट्राडे जब भी आप करते हैं तो उसके अंदर एक टाइम फ्रेम आपको निकाल लेना चाहिए कि भाई जब मैं स्टॉक मार्केट में आता हूँ सुबह सुबह, जब 9:15 को मार्केट जब ओपन होता है, तो आप अपना एक टाइम डिसाइड कर ले कि मुझे किस टाइमिंग में मार्केट ज़्यादा बेटर लगता है। क्योंकि सुबह सुबह जैसे ही मार्केट 9:15 को ओपन होता है सर, होता क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक होते हैं जो ऑलरेडी ऊपर में ओपन होते हैं, 2% 5% ऊपर ओपन होते हैं, और जैसे ही मार्केट 9:30 हो जाता है या 10 o'clock हो जाता है तो वही चीज़ जो है बराबर आ जाती है, नीचे आ जाती है। तो एकदम सुबह सुबह का मार्केट आपको सही लग रहा है, आप समझिए एकदम जैसे मार्केट ओपन होगा, कभी कभी क्या हुआ कि मार्केट गिरा हुआ ओपन होता है एकदम नीचे से, ठीक है, फिर धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपके लिए टाइम फ्रेम कौन सा सही रहेगा, मॉर्निंग का, आफ्टरनून का या इवनिंग का, क्योंकि आफ्टरनून तक जो है सभी लोग शांत हो जाते हैं धीरे धीरे, उसके बाद इवनिंग तक मतलब चीज़ें नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाती है। तो एक टाइम फ्रेम आप डिसाइड कर ले तो ही आप कर पाओगे। उसके बाद आपको स्ट्रैटेजी सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और मार्केट में आप बोलेंगे, लोग पूछेंगे कि सर आपको स्ट्रैटेजी बता दो, देखिए मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रैटेजी का मतलब होता है सबका अपना अपना स्ट्रैटेजी, सबका अपना अपना अलग अलग स्ट्रैटेजी आपको देखने को मिलता है, ऐसा होता है। और हो सकता है कि आपका स्ट्रैटेजी कुछ ज़्यादा अच्छा तरीके से काम कर रहा हो मार्केट में, उसके सामने मेरा स्ट्रैटेजी कुछ खास नहीं हो, और क्यों आप मेरे स्ट्रैटेजी पे भरोसा करोगे, मेरे स्ट्रैटेजी से मैं अपना पैसा डुबाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप तो हो सकता है कि आप रिस्क लेने के तैयार ना हो। तो वहाँ पर एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि भाई जब मुझे इस टाइम में सुबह आपने देख लिया कि मुझे 10 बजे काम करना, तो 10 बजे कोई किस स्ट्रैटेजी के साथ आपको काम करना वो देखना होगा। और आपको रिस्क का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इंट्राडे में सर रिस्क बहुत बड़ा है और रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा है। एक दिन के अंदर आप यहाँ पर अपने पैसे को 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना कर सकते हो, 10 गुना भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन याद रखिए कि सर रिवॉर्ड आपने देखा लेकिन रिस्क नहीं देखते हैं लोग। तो रिस्क मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा कि आप रिस्क हाई लेना चाहते हो या लो लेना चाहते हो, या फिर मीडियम के बीच में रहना चाहते हो, मतलब आप कैसे, आप चाहते हो कि हाँ भाई मैं अपने पैसे को मतलब हाँ रिस्क लगाने के लिए तैयार हूँ, कोई टेंशन नहीं है, तब ठीक है, खुले मन से क्लियर, टेंशन है नहीं है, दिमाग में कुछ भी आपको डाउट नहीं रखना। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि इंट्राडे बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है दोनों यहाँ पर, तो दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। देखिए फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में आपको पता होना चाहिए, फाइनेंशियल लिवरेज, देखिए ये जो भारी चीज़ है ना, इसको अगर उठाओगे तो बहुत भारी लगेगा, लेकिन इसके लिए अगर मान लेते हैं कि एक तरीके से एक तरीका बना दिया जाए, इसको आराम से अगर कोई बच्चा भी खींचेगा ना, तो ये ऊपर आराम से आ जाता है, ऊपर आराम से आ जाता है। तो लिवरेज के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई मेरे पास तो मान लेते हैं कि केवल 5,000 रुपये ही है, केवल मेरे पास 5,000 रुपये ही है, अब मैं कैसे बड़ा पैसा कमाऊंगा। तो सर आप मार्केट का लिवरेज इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत सारे वहाँ पर आपको मार्जिन प्रोवाइड करेंगे, मतलब अगर आपके पास 5,000 रुपये है, ठीक है, तो आप 25,000 रुपये का माल खरीद सकते हो मार्केट में, 20,000 रुपये का माल खरीद सकते हो, 50,000 रुपये का माल खरीद सकते हो, ऐसा खरीद सकते हो। है आपके पास 5,000 रुपये, लेकिन आप 50,000 रुपये का माल खरीद सकते हो, 25,000 रुपये का माल उठा सकते हो, ठीक है, आपको उतने ही पैसे देने हैं, 5,000 ही पैसे देने हैं। अब सोचो अगर आपने 50,000 का माल उठाया है तो आपको 10-20 गुना ज़्यादा फायदा होगा, 25,000 का 10 गुना ज़्यादा फायदा होगा, तो लॉस भी होगा तो उसी तरीके से। तो ये भी आपको सीखना होगा, लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती कि कैसे पैसे लेकर हम किस तरीके से बेनिफिट कर सकते हैं, इसके बारे में आपको सीखना होगा।
वॉलीटिलिटी सर, वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है मार्केट में, इतनी वॉलीटिलिटी रहेगी कि आप परेशान हो जाओगे। मतलब एक ही दिन में स्टॉक ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, खट 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 ऊपर नीचे जाएगा। इसलिए तो मैंने आपको क्या बोला, क्या बोला कि आप स्ट्रेटजी बना लो भाई, कि यहाँ से स्टॉक गिरा हुआ है, ठीक है, आपको स्ट्रेटजी बना के चलना पड़ेगा कि यहाँ से स्टॉक गिरा हुआ है, अब यहाँ से देखोगे तो एक ही लाइन में जा रहा है, तो हाँ इस पोजीशन में अगर मुझे ट्रेड मिलते हैं, इस पोजीशन में या इस पोजीशन में मुझे ट्रेड मिलते हैं तो मैं यहाँ पर खरीद लूँगा और यहाँ से ऊपर जाने ही वाला, क्योंकि ये जो है साइडवे जा रहा, तो ऊपर जाके मैं बेच दूंगा करके, और ऊपर जाके बेच दूंगा क्योंकि नहीं तो फिर वापस नीचे आ जाएगा। तो आपको स्ट्रेटजी और वॉलीटिलिटी को मेंटेन करना होगा सर, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल, आपके मतलब आंखों से कब धुंधला हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसा होगा। और आपको उसी स्टॉक्स में पैसे लगाने हैं, उसी कंपनी में जो कि सर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा, लिक्विडिटी का मतलब कि भाई वहाँ पर खरीदने और बेचने वाले दोनों अवेलेबल हो, जहाँ पर लिक्विडिटी नहीं है, जहाँ पर लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं है, बेचने के लिए तैयार नहीं है, अगर आप ऐसे स्टॉक को चूज़ करते हो तो आप फंस जाओगे। आपने खरीद लिया और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो गया, लेकिन सर वहाँ पर कोई खरीदने के लिए, वापस खरीदने के लिए तैयार नहीं, आप बेच तो रहे हो, आपने यहाँ पर खरीद लिया, यहाँ पर आप प्रॉफिट करना चाहते हो, लेकिन आप यहाँ पर बेचना चाहते हो, सेल करना चाहते हो, लेकिन कोई खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है, तो हो सकता है शाम तक वो चीज़ें नीचे आ जाए और आपको लॉस बेयर करना पड़े। तो वहाँ पर लिक्विडिटी का भी ध्यान रखो, अगर लिक्विडिटी नहीं है तो फिर आप फंस जाओगे, स्टॉक में लिक्विडिटी होना ही चाहिए ऐसे करके। और उसके साथ साथ आपको ना मतलब फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए थोड़ी बहुत, क्या होता है क्या नहीं होता करके। और एक आपके पास जो है ना डीमैट अकाउंट होना चाहिए, एक अच्छा वाला आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपको कम से कम पैसे कटे, उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, फ्री में जाकर डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होगा वहाँ पर आपको, ठीक है। तो आपके पास एक अच्छा वाला डीमैट अकाउंट होना चाहिए, इसमें आपको बहुत सारे टैक्सेस वगैरह देने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, और देखो डे ट्रेडिंग के बहुत सारे रूल्स होते हैं सर, रूल्स आपको पता होना ही चाहिए, अगर आपके पास रूल्स पता नहीं है तो आप फंस जाओगे। आप बोलोगे मुझे तो ये पता ही नहीं था, अब मुझे लॉस हो गया करके, अरे ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं था, इस चीज़ पे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, अब मैं क्या करूँ, एक बार माफ़ कर दूँ। तो स्टॉक मार्केट में माफ़ी नहीं चलती है सर, याद रखिए आपको लॉस का लॉस ही देना पड़ेगा, ऐसा रहेगा। जैसे कुछ कुछ रूल्स देखिए, रूल्स यहाँ पर मैं आपको सारे दिखा दे रहा हूँ, सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पर कुछ कुछ यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, मार्केट को हमेशा रिस्पेक्ट दो। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है और आप उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हो, नीचे बेच रहे हो, मार्केट ऊपर का ऊपर जा रहा है और आपने इंट्राडे में सेल लगा दिया, सेल मतलब जो होता है ना कि भाई खरीदने की जगह आपने बेच दिया, तो स्टॉक वो नीचे जाएगा तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसके अगेंस्ट में आपने काम किया तो आपको नुकसान हुआ। मार्केट के फेवर में ही काम करने की कोशिश कीजिए, कभी ज़्यादा ओवर ट्रेड मत करें, मतलब 4-5 बार भाई एक बार और एक बार और एक बार, ठीक है। आपने एक दिन में मतलब 4 बार 5 बार या 10 बार अगर आप प्रॉफिट लॉस मतलब खरीद रहे हो बेच रहे हो तो आपको कितना नुकसान होगा आपको पता भी नहीं है। आपके डीमैट अकाउंट में जितना पैसे है ना वो तो बात अलग है, इतने आपको ब्रोकरेज लग जाएंगे, इतने टैक्स लग जाएंगे जो आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसा स्टॉप लॉस हमेशा रखिए भाई, और कभी भी देखो तो 3% से ज़्यादा अपना कैपिटल मत खोना, क्योंकि एक दिन ही अगर सारा पैसा अगर कर दोगे तो दूसरे दिन देखो, एक दिन अगर जो गलती करोगे ना तो पता चलेगा अरे यार ये गलती मेरे से नहीं होना था, कल मैं इसको सुधारूंगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होती है, होती कि नहीं होती, चीज़ें बदलती है। पहले ज़माने में हम क्या एकदम छोटा सा मोबाइल इस्तेमाल करते थे, केवल छोटा सा मोबाइल जिसमें केवल कॉलिंग होता था, कॉलिंग के साथ साथ फिर उसमें कैमरा आया, रेडियो आया, फिर स्क्रीन टच आया, उसके अंदर 4G 5G आया, तो ये क्या हुआ, चीज़ें इंप्रूव हो रही है। उसी तरीके से जब आप पहले दिन गलती करोगे तो आपको पता चलेगा यार ये मिस्टेक मुझे नहीं करना था, ये तो मुझे पता ही नहीं था। दूसरे दिन तो अगर एक दिन ही सारा पैसा गवा दोगे तो कहानी खत्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे सीखिएगा, प्रॉफिट कीजिएगा धीरे, और थोड़ा भी प्रॉफिट मिले तो लेके जाने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जा रही है कि बहुत बड़े प्रॉफिट के आगे पीछे ना भागें, ठीक है। अपना होमवर्क कर लें, सुबह जब मार्केट ओपन होगा तो होमवर्क कर लीजिए कि आज मैं ये स्टॉक खरीदने वाला हूँ, ये न्यूज़ आई है, न्यूज़ कहाँ से लेना है, तो आप CNBC से ले सकते हैं सुबह सुबह में, या सुबह सुबह बहुत सारे वेबसाइट में आपको देखने को मिल जाएंगे वहाँ से। तो सुबह सुबह आपने होमवर्क कर ले कि ये स्टॉक मुझे खरीदना है और इसका रेंज ये होगा, आज रिजल्ट आया है, रिजल्ट भी आपको पहले पता चल जाता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर। तो सारा होमवर्क कर लो और ज़्यादा बड़े प्रॉफिट के पीछे ना भागो, और ना ही ज़्यादा लॉस हो रहा है तो वहाँ से भी भागने की कोशिश करो, ठीक है। और टैक्सेस सर, आपको टैक्सेस भी देने पड़ते हैं, बहुत हेवी टैक्स आपके ऊपर लगेगा, और टैक्सेस के बाद सर आपको जो है ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको 15% तक टैक्स देना पड़ेगा सर, 15% आपको टैक्स देना पड़ेगा जो भी आप प्रॉफिट कर रहे हो, और एक साल से अंदर आप उसको मतलब रखने की कोशिश करो, एक साल के अंदर, तो ये तो सर एक ही दिन के अंदर है, तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स के बारे में प्रॉपर जानकारी रखिए, उसके साथ साथ टैक्स भी बहुत बड़ी चीज़ है सर, टैक्स तो कोई छोटी मोटी चीज़ है, बच्चों वाली चीज़ है, कोई भी देगा सर। ब्रोकरेज, ब्रोकरेज आपको इतना महंगा पड़ेगा कि सर ब्रोकरेज के नीचे दब जाओगे एकदम,
खत्म हो जाएगी कहानी। ब्रोकरेज आपको देखो खरीदने बेचने पे वो लोग 20-20 रुपीज़ काटते हैं, कुछ लोग 20-20-40 रुपीज़ काटते हैं, 20-20-20 रुपीज़ आपको खरीदने पे, 20 रुपीज़ बेचने पे, कुछ लोग खरीदने पर नहीं काटते हैं, कुछ लोग बेचने पर काटते हैं, ठीक है। तो टोटल मान के चलते हैं कि 40 रुपीज़ सर वो लोग काटेंगे एक बार खरीदो को बेचोगे। देखो एक बार कोई चीज़ आपने खरीदा तो सर इसको होल्ड तो करना नहीं है, हम तो ट्रेडर्स हैं एक दिन के लिए, तो आपको बेचना भी पड़ेगा, तो जब बेचोगे तो 20 रुपीज़ यहाँ पर लेंगे और 20 रुपीज़ यहाँ पर लेंगे, तो टोटल 40 रुपीज़। सबका अलग अलग होता है, मैक्सिमम वाला मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर एक दिन में अगर आपने 5 ट्रेड लिया है 40 रुपीज़ के हिसाब से, तो आपको 200 रुपये देने पड़ जाएंगे सर, 5 ट्रेड अगर आपने लिया है तो, ठीक है। ये तो होगा ब्रोकरेज। इंटरनल टैक्सेस होते हैं सर उसके अंदर, इंटरनल टैक्सेस होते हैं जो डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं किया जाता। चार टाइप के आपको जो है, मतलब जो है चार तरीके से आपके पास पैसे काटे जाते हैं, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। अगर आप पता नहीं कर पा रहे क्या खरीदना क्या बेचना करके, तो उस हिसाब से भी आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ सर आपको कंटिन्यू मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। अगर आपने खरीद लिया तो उसको आपको देखना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि भाई चलो देखेंगे बाद में देखेंगे, चलो खाना खा लेते हैं ये कर लेते हैं, तो भाई आपको कंटिन्यू मॉनिटरिंग करना पड़ेगा एज अ रोबोट की तरह, मशीन की तरह। हो सकता है कि मार्केट देखो मिनटों में ऊपर नीचे हो जाता है, तो जैसे आपको प्रॉफिट मिले आप निकल जाओ, दूसरा मौका आपको मार्केट बार बार नहीं देता, तो कंटिन्यू आपको फोकस करना ही रहेगा। गूगल के हिसाब से माना जाता है कि एज मच एज 95% ऑफ डे ट्रेडर्स लूज मनी, जितने लोग इंट्राडे करते हैं उसमें से 95% लोग लॉस करते हैं और केवल 5% लोग ही सर प्रॉफिट करते हैं, याद रखिएगा। मतलब 100 लोग अगर कर रहे हैं तो केवल 5 लोग ही प्रॉफिट करेंगे, बाकी वहाँ पर सभी लोग लॉस करेंगे, याद रखिएगा। तो इतना रिस्की है, इसलिए मैं आपको रिस्क भी बता देना चाहता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर करना क्या होता है, इस तरीके से आप स्टॉक देख सकते हो, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, जैसे कि आप किसी में भी काम कर सकते हो, इसमें 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 किसी में भी काम कर सकते हो। अभी मान लेते हैं कि यहाँ पर मैं आइडिया को देख रहा हूँ, वोडाफोन आइडिया छोटा दिख रहा है प्राइस में, आप किसी के ऊपर भी काम कर सकते हो। ये 13 रुपीज़ 75 पैसे के बाजू में जा रहा है, बार बार 13 रुपीज़ 75 पैसे में जा रहा और 80 पैसे में आ जा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऑर्डर लगाने की कोशिश करता हूँ, तो आपको क्या करना है, ऑर्डर में जाना है और ऑर्डर में जाने के बाद आपको बाय में क्लिक करना है। जैसे ही आप बाय में क्लिक करेंगे तो सर यहाँ पर आपको पता चलेगा कि क्या करना है, आपको MIS करना है मतलब इंट्राडे, ठीक है, और CNC मतलब कैश एंड कैरी करना है। तो हमें CNC नहीं करना है, हमें इंट्राडे करना है, तो सर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है करके। अब जब आप यहाँ पर क्लिक कर देना है तो वहाँ पर क्या करना था कि यहाँ पर आपको प्राइस यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना, 13.75 में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 5 क्वांटिटी लेते हैं सर, 5 क्वांटिटी लेते हैं और प्राइस हम यहाँ पर करेंगे 13.75 करेंगे, और हम इसको क्या कर देंगे, लिमिटेड प्राइस कर देंगे, ठीक है, लिमिटेड प्राइस, मार्केट प्राइस मतलब जो प्राइस पे आएगा उसी पर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं, बी ऑर्डर लगा सकते हैं, सी ऑर्डर लगा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब ऑर्डर हैं जो आप लगा सकते हैं जिससे और ज़्यादा आप बेनिफिट कर सकते हैं। ये केवल एक मैं आपको डेमो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो प्राइस किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, 13.75880 जा रहा, तो यहाँ पर मैं ये कर रहा हूँ, तो आप एग्जीक्यूट कर दोगे, ये एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूट कर दोगे तो आपका ऑर्डर आ जाएगा। तो चलिए एक ऑर्डर एग्जीक्यूट करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने और भी कुछ चीज़ें ऐड किया है, जैसे टाटा मोटर को मैंने देखा कि यहाँ पर इवेंट था, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा शानदार आया, जिसके दम पे देखो स्टॉक भाग भी रहा, ठीक है ना। तो जिसने सुबह में खरीदा होता उसको तो मिल जाता। अभी देखो टाटा स्टील गिरा हुआ है, इस वजह से मैंने सोचा कि इसको खरीदने की कोशिश करता हूँ। तो टाटा स्टील में मैंने लगा दिए हैं यहाँ पर भाई टोटल 2 क्वांटिटी, ठीक है, या एक क्वांटिटी है, चलो खेल के मैं आपको दिखा देता हूँ, एक क्वांटिटी के ऊपर ही है। और ये जो प्राइस रखा गया है वो आप मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो अपने अपने हिसाब से। आप चाहो तो यहाँ पर मतलब जो है केवल 60 पैसे आए, देखो यहाँ पर 65 पैसे दिख रहा है और यहाँ पर मैंने केवल कितने 60 पैसे डाला। तो इस तरीके से आप थोड़ी बहुत बार्गेनिंग कर सकते हो, चलेगा यहाँ पर, लिमिटेड ऑर्डर देखने को मिलेगा इंट्राडे में, और आप इस चीज़ को चाहो तो एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आया, क्वांटिटी हमने नहीं डाला तो क्वांटिटी डाल देते हैं, इस तरीके से कुछ देख लीजिए। अभी जैसे मैंने ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी यहाँ पर डालना भूल गया करके, ठीक है। तो देखिए जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर बता देगा कि प्रॉब्लम क्या है करके, नीचे में आपको ये प्रॉब्लम बता देगा क्या है करके। जब आप प्राइस नहीं लिखोगे तो उसका भी बता देगा कि भाई आपने मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट किया है क्या करके, ये सारी चीज़ें आपको बताएगा। तो चलो मैंने एक क्वांटिटी डाल दिया जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं, अब ये हो गया हमारा ऑर्डर प्लेस्ड। तो ये आ चुका है हमारा ऑर्डर आपको जो देखने को मिल रहा है, अब देखिए यहाँ पर आ चुका है हमारा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 5 पैसे का बेनिफिट देखने को मिला, 5 पैसे का बेनिफिट देखने को मिला, चला गया MIS में, इस तरीके से आपको देखने को मिलता, आएगा जाएगा। अब अगर टाटा स्टील ऊपर गया, मैंने क्योंकि ख़रीदा है, मैंने बाय किया है, तो टाटा स्टील अगर ऊपर गया तो प्रॉफिट, अगर नीचे गया तो लॉस, ऐसा होना स्टार्ट हो जाएगा आपको, ठीक है।
मुझे प्रॉफिट क्यों दिख रहा है यहाँ पर देखिए 117.60, पॉइंट का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। मैंने 5 पैसे नीचे खरीदा, इस वजह से जब 5 पैसे ऊपर जा रहा है अपने प्राइस पे, तो मुझे यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिल रहा। अब इसको चाहो तो आप इसका चार्ट वाट यहाँ पर जाके देख सकते हो। चार्ट देखो कि ये किस तरीके से बिहेव कर रहा आज के रेट में। सुबह से देखो तो गिरता ही जा रहा है। देखोगे यहाँ पर तो आप चाहो तो एक दिन का चार्ट पैटर्न देख सकते हो। एक दिन का चार्ट पैटर्न से आपको पता चल रहा है कि ये सुबह से स्टॉक जो है गिरता हुआ नज़र आ रहा है। देख लीजिए, सुबह से स्टॉक जो है गिरता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये गिरेगा तो लॉस होगा, अगर ये ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो ये तो मैंने आप लोगों को केवल सिखाने के लिए कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, आपको देखने को मिला पिछले एक महीने से टाटा स्टील गिरता हुआ नज़र आ रहा है 129 रुपीज़ से 117 रुपीज़ के बीच में, ऐसा है यहाँ पर। तो ये चीज़ें और बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा, अगर घटेगा तो लॉस हो जाएगा करके, इस तरीके से यहाँ पर होता है। तो इस तरीके से आपको होमवर्क करना पड़ेगा कि स्टॉक यहाँ से गिरना स्टार्ट कर रहा है यहाँ से, तो हम क्या करें क्या करें। इस तरीके से आपको चार्ट को जूम कर सकते हैं, चार्ट को जूम करके स्टडी कर सकते हैं कि नीचे से स्टॉक ने बहुत बड़ा बाउंस बैक मारा, लेकिन अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। तो ये चीज़ें आपको स्टडी करनी पड़ेगी, तो इस तरीके से आपको प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ जाएगा। देख ले 35 पैसे, 40 पैसे और 40 पैसे, 45 पैसे, मैंने दो खरीदा, एक टाटा मोटर खरीदा और टाटा स्टील खरीदा, तो दोनों में अब प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। दोनों में प्रॉफिट देखने को मिल रहा है यहाँ पर। देख ले, अब लोग बोलेंगे सर आपने एक ही क्वांटिटी क्यों खरीदा। देखो मैं चाहता तो बड़ा क्वांटिटी भी खरीद सकता था, मैंने छोटा क्वांटिटी इस वजह से खरीदा ताकि लोगों को पता चल पाए कि आप गरीब हो या अमीर हो इससे कोई मैटर नहीं करता, आप यहाँ पर काम कर सकते हो। केवल एक क्वांटिटी खरीद के आप यहाँ पर मार्जिन लेके बड़ा भी खरीद सकते हो, ज़्यादा बड़ा भी खरीद सकते हो। देखो 80 पैसे 90 पैसे देखने को मिला, जिस तरीके से टाटा मोटर देखो भागना स्टार्ट किया, तो अब रिटर्न भी देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो इसी तरीके से अब आपको कंटिन्यू देखना पड़ेगा कि और प्रॉफिट दिए जा रहा है, ये हमें रुकना है करके। तो आपको एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बता देता हूँ अपनी तरफ से, ठीक है, अपनी तरफ से मैं आपको स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। केवल 19 मिनट पहले की खबर है जहाँ पर बताया जा रहा है टाटा मोटर ने क्वार्टर टू में काफ़ी अच्छे प्रॉफिट किया, नेट प्रॉफिट जो देखने को मिला 3,764 करोड़ का, ठीक है। और साथ में इनका रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ नजर आया है, दोनों बढ़ता हुआ नजर आया है यहाँ पर, आप लोगों ने देख लिया इसका रिजल्ट। अब देखो यहाँ पर बोला जा रहा है टाटा मोटर में रैली अप टू 28%, एनालिस्ट का मानना है कि यह 28% तक भाग सकता है, एक दिन में नहीं भागेगा, ठीक है। लेकिन इससे यह पता चलता है कि अब आने वाले दिनों में जो भी है टाटा मोटर ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ऊपर ही जाए, अगर मार्केट पॉजिटिव में आपको देखने को मिला तो, मार्केट पॉजिटिव में देखने को मिला तो टाटा मोटर ऊपर ही जाएगा। पूछो क्यों, क्योंकि सर प्रॉफिट भी काफी कंपनी ने अच्छा किया है, बड़े बड़े एनालिस्ट ने भी बड़ा टारगेट दिया है, तो अगर जिस दिन मार्केट भागने वाला उस दिन अगर आप टाटा मोटर को खरीद लेते हो तो फिर समझ लीजिए कि आपको बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा। आपको होमवर्क करना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रेटजी देखना पड़ेगा। इससे यह पता चल गया कि टाटा मोटर को अभी हमें सेल नहीं करना है, पता तो चल गया ना, इस वजह से मैंने खरीदा। तो अगर मैं यहाँ पर टाटा मोटर में 500 क्वांटिटी खरीदा होता, एक के जगह 500 क्वांटिटी खरीदा होता, तो 300 रुपये का प्रॉफिट आता मुझे, 300 रुपये का प्रॉफिट आता। और सर इस 300 रुपये का प्रॉफिट में आप चाहो तो इनटू करके देख लो, एक क्वांटिटी मैंने खरीद रखा तो 500 क्वांटिटी खरीदता तो 300 रुपये का प्रॉफिट आता। और मान लीजिए 40 रुपीज़ अगर हमें देने भी पड़ गए ब्रोकरेज को, तो सर अगर माइनस अगर 40 भी कर देते हैं तो हमारे पास बच जाते हैं ना 260 रुपीज़, 250 रुपये आपको एक दिन में मिल जाता 500 क्वांटिटी करके। नॉर्मल अगर आपके पास 5,000 रुपये हैं तो आप बड़े लेवल में भी खेल सकते थे, अगर आपने 1,000 क्वांटिटी खरीदा तो आप मतलब 600-700 रुपये भी कमा सकते थे केवल एक दिन में। एक दिन में क्या, मिनटों में। आप देखो यहाँ पर देखो गिर गया, सडन आपको गिरावट भी देखने को मिल गया, तो इतना देर वेट ना करें, जब आपको नॉर्मल प्रॉफिट दिखने को मिला तो आप लेके निकल जाओ, ऐसा है। तो इसी को बोलते हैं इंट्राडे यहां पर। और देखो ज्यादा इंतजार करने पे क्या हुआ, अब 20 पैसे पे वापस आ गए, पहले 90 पैसे तो पहुंच चुके थे, अब देखो वापस 35 पैसे पहुंचता हुआ नजर आ रहा। तो इसी को बोलते हैं वॉलेटिलिटी। मैंने आपको अभी बताया ना, सिखाया ना कि जब प्रॉफिट आए तो कंटिन्यू नजर रखते रहो। देखो खटाक से अभी देखो 20 पैसे से तुरंत 50 पैसे पे आ गया, तो आप चाहो तो टारगेट सेट कर सकते हो, टारगेट सेट करके खटाक से अपना पैसा लेके निकल जाओ। और सिंपल प्रोसेस है सर, वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक में जाओगे तो यहां पर आपको एग्जिट करना है, एग्जिट करने के बाद यहां पर ऐसे कर दोगे तो आराम से आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो इतना आसान होता है बेचना और खरीदना, देख लीजिए बेचना और खरीदना बहुत आसान है, लेकिन स्ट्रेटजी बनाना, होमवर्क करना, यही मुश्किल वाली चीज़ें हैं। जो आप धीरे धीरे करोगे, सीखोगे, तो आपको पता चलेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि कौन सा डीमेट अकाउंट अच्छा होगा, तो मैं आपको बोलूँगा कि एंजल वन बहुत सही आपको देखने को मिला है। इसमें फ्री में आपका डीमेट अकाउंट ओपन होता है, डिलीवरी चार्जेस भी फ्री होता है, केवल 20 रुपीज़ लगता है इंट्राडे वगैरह में, जो हर जगह देखने को मिलता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंजल वन का आप कंपनी देख सकते हो, शेयर जो शेयर है वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, और उसके कंपनी ने भी लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रखा है, मतलब इसकी कंपनी भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है और इसके डीमेट अकाउंट। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, फ्री में जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं बहुत आराम से। और धीरे धीरे और भी कोई लर्निंग वाली चीज़ें हैं तो मैं आपको बताता हुआ नजर आऊँगा आगे, तो जुड़े रहिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा।